विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एनएफआई थर्ड टेबलेट यूज इन हिंदी। इस दवा का उपयोग तंत्रिका संबंधी गड़बड़ी के लिए किया जाता है, मगर आपको बता दें कि इसके अलावा भी इस दवा का उपयोग बहुत तरह से किया जाता है। मतलब यह है कि यह जो दवा होती है उसका उपयोग अन्य तरह की बीमारियों में भी होता है, और वह बीमारी क्या है उसके बारे में हम इस वीडियो में आपको अच्छी तरह से समझाने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एनएफआई थर्ड टेबलेट यूज इन हिंदी। आपको बता दें कि यह जो दवा होती है वह विभिन्न विटामिनों का एक मिश्रण होता है। शरीर के विभिन्न अंगों और कार्यों के लिए आज विटामिन की जरूरत होती है, और इस बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं। और आपको बता दें कि यह जो दवा होती है वह इसी कमी को दूर करने का काम करती है। खून बनना, न्यूरोलॉजिकल कार्यों का संचालित करना और ऊर्जा का बढ़ाना आदि के लिए विटामिनों की जरूरत होती है, और इस दवा का उपयोग करने के कारण से इन जरूरतों को पूरा किया जा सकता है। अगर इस दवा का उपयोग के बारे में बात करें तो इसका उपयोग अनेक तरह की बीमारियों या समस्याओं के अंदर कर सकते हैं, जैसे डायबिटीज, मोटापा, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, मधुमेह, तरह तरह की समस्याओं में हो सकता है, तो इस तरह की गड़बड़ी हो सकती है। आपको बता दें कि इस दवा का उपयोग अनेक तरह की बीमारियों के अंदर किया जा सकता है, या फिर कह सकते हैं कि अनेक तरह की समस्याओं के अंदर इस दवा का उपयोग कर सकते हैं, जो कुछ इस तरह से है। नंबर 1, तंत्रिका संबंधी गड़बड़ी, डायबिटीज, मोटापा, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, मधुमेह आदि तरह की जो समस्या होती है तो इस तरह की गड़बड़ी हो सकती है। और तंत्रिका संबंधी समस्या देखने को मिलती है तो डॉक्टर से बात जरूर करनी चाहिए, और ऐसे में आपको डॉक्टर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एनएफआई थर्ड टेबलेट लेने की सलाह देते हैं। नंबर 2, गठिया। दोस्तों, गठिया के अंदर भी इस दवा का उपयोग किया जाता है। जोड़ों में दर्द, सूजन, जोड़ों के आसपास की त्वचा का लाल होना, जोड़ों की स्थिरता कम होना, घुमाव देना आदि सभी गठिया के लक्षण होते हैं, और इस तरह की समस्या में इस दवा का उपयोग किया जाता है, और इस बारे में आपको पता होना जरूरी है। नंबर 3, नेत्र विकार। आंखों में सूजन, लालिमा, आंखों में पानी बहना, दृष्टि का कमजोर होना, नाक से पानी आना आदि सभी लक्षण नेत्र विकार के लक्षण माने जाते हैं। ऐसे में इस दवा का उपयोग करने की सलाह डॉक्टर के द्वारा दी जाती है। नंबर 4, माइग्रेन या माइग्रेन का सिरदर्द। माइग्रेन एक तरह का सिरदर्द होता है जिसमें आमतौर पर सिर का एक हिस्सा प्रभावित होता है। इसे अक्सर एक तरफा सिरदर्द कहा जाता है। आपको बता दें कि इस तरह के सिरदर्द में यानी माइग्रेन के अंदर इस दवा का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। उल्टी करना, सकारात्मक रूप से सुनाई देना, बेहोशी का अनुभव, सामान्य से अधिक खुजली या दर्द होना आदि सभी बताते हैं कि माइग्रेन या माइग्रेन का दर्द है। तो अगर आपको ऐसा देखने को मिलता है तो डॉक्टर के पास जरूर जाना चाहिए, और डॉक्टर आपको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एनएफआई थर्ड टेबलेट यूज करने की सलाह दे सकते हैं। नंबर 5, खून की कमी या एनीमिया की समस्या। एनीमिया एक ऐसी समस्या होती है जो कि शरीर में रक्त की कमी के कारण होती है। यह समस्या उन लोगों में आमतौर पर होती है जो कि विटामिन B12, फोलिक एसिड, आयरन की कमी से पीड़ित होती है। अगर आपके अंदर इस तरह की समस्या देखने को मिलती है तो डॉक्टर आपको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एनएफआई थर्ड टेबलेट यूज करने की सलाह दे सकते हैं। नंबर 6, मानसिक समस्याएं। मानसिक समस्याएं एक व्यक्ति के मानसिक स्थिति और व्यवहार पर असर डालने वाली समस्या होती है। इसके लक्षण कुछ इस तरह से हैं: अवसाद या उदासीनता, चिंता, घबराहट, अस्थिरता, नींद में कमी या अधिक नींद लेना आदि तरह के लक्षण आपको दिखाई देते हैं तो आपको समझना चाहिए कि मानसिक समस्याएं हैं। ऐसे में आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए और जैसी स्थिति है उसके बारे में डॉक्टर को बताना चाहिए। तो ऐसे में डॉक्टर आपको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एनएफआई थर्ड टेबलेट यूज करने की सलाह दे सकते हैं। नंबर 7, बालों का झड़ना। बालों का झड़ना आम तरह की समस्या होती है जो कि कई कारणों से हो सकती है, और इसके बारे में आपको पता है। तो अगर बाल झड़ने की समस्या देखने को मिलती है तो आपको डॉक्टर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एनएफआई टेबलेट का यूज करने की सलाह दे सकते हैं। मतलब यह है कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एनएफआई टेबलेट का उपयोग तंत्रिका संबंधी गड़बड़ी, गठिया, नेत्र विकार, माइग्रेन या फिर कह सकते हैं माइग्रेन का सिरदर्द,
खून की कमी, एनीमिया की समस्या, मानसिक समस्याएं और बालों का झड़ना आदि तरह की समस्याओं में उपयोग में लिया जा सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें।